नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बी एच चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले फ्रेंड्स कि इंटर का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, किस तरह से आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे पूरी जानकारी मैं आप लोग इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, उससे पहले बताना चाहूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन प्रेस के लिए, ताकि जो वीडियो आए उसके लिए अब तक पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आप लोग को बता देते हैं फ्रेंड्स कि किस तरह से आप लोग का रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग का एडमिशन ऑनलाइन माध्यम से लिया गया होगा तो आप लोग जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन माध्यम से ही करवाएंगे, वसुधा केंद्र या साइबर कैप में जाके। अगर आप लोग का एडमिशन ऑफलाइन माध्यम से कॉलेज में जाके करवाए होंगे तो आप लोग जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन भी ऑफलाइन माध्यम से ही कॉलेज में जाके करवाना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोग जान चुके हैं कि किस तरह से आप लोग का जो है सो रजिस्ट्रेशन लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर से बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप लोग का एडमिशन ऑफलाइन माध्यम से लिया गया होगा तो आप लोग अपने कॉलेज में ही जाके एडमिशन करवा सकते हैं। अगर ऑनलाइन माध्यम से लिया गया तो आप लोग कहीं वसुधा केंद्र या साइबर कैप में जाके एडमिशन वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके फ्रेंड, जो चार्ज होगा आप लोग का वहीं पे कट जाएगा, वसुधा केंद्र में ही ले लिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि उन लोगों को पता चल सके कि इंटर में जो भी स्टूडेंट है उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।